नमस्कार दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। और ये सेक्टर के ऊपर डिस्कस करने का बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि अमेरिका का बैंकिंग सेक्टर कॉलैप्स हो रहा है दोस्तों, बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है दोस्तों। पहले तो दोस्तों सिलिकॉन वैली बैंक डूब गई और उसके पीछे का रीजन फेड था, और उसके बाद फर्स्ट रिपब्लिक बैंक एंड और दो मेजर बैंकिंग दोस्तों कॉलेप्स हो सकता है आने वाले महीनों में। तो आपको दोस्तों ऐसे टाइम के ऊपर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एक बार दोबारा चेक करने की जरूरत है, क्योंकि अगर अमेरिका बहुत ही बड़ा दोस्तों बैंकिंग सिस्टम है, अगर वो कॉलेप्स होता है तो क्या इसके इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेंगे या नहीं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर बात करें हमारे बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, तो दोस्तों हमारा बैंकिंग सेक्टर है वो काफी डिफरेंट है यूएस के जगह पे, क्योंकि हमारा सेक्टर अभी भी दोस्तों हम बेस्ट है इन द वर्ल्ड, ऐसे एक्सपर्ट्स का मानना है इस चीज को। और इंडियन बैंकिंग सेक्टर इज स्टैंडिंग अ स्ट्रॉन्ग कमबैक। हमारे जो एनपीएस के प्रॉब्लम्स थे वो रिजॉल्व हो रहे हैं, बैंकिंग बहुत ही बढ़िया, बैंक जो है स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, पॉजिटिव क्रेडिट साइकिल दोस्तों हो रही है बैंक के अंदर। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए है। इवन हमारे आरबीआई गवर्नर ने बोला है कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम इंसुलेटेड फ्रॉम इवेंट्स इन यूएस एंड स्विट्जरलैंड। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। और दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कि जो ग्लोबल फोरकास्ट है इकोनॉमी का, आईएमएफ रेज है एशिया इकोनॉमिक फोरकास्ट, चाइना एंड इंडिया टू बी की ड्राइवर। तो ग्रोथ तो हमारे यहाँ पे होने वाली है, तो बैंकिंग सेक्टर इसका डायरेक्टली इम्पैक्टफुल है और इसका फायदा बैंकिंग सेक्टर जरूर से उठाएगा। तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर जो है अमेरिका का उसमें प्रॉब्लम्स है, बट इंडिया में एज सच अभी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, पॉजिटिव क्रेडिट साइकिल है और एक्सपर्ट भी काफी बुलिश है। मार्केट में स्टॉक के प्राइस क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। स्टार्ट करते हैं निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स से। तब देख सकते हैं कि प्राइवेट बैंक जो है वहां पे लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस 21,953 है, उसका 52 वीक हाई जो बना है वो 22,491 है, यानी कि 22,000 से ये बिल्कुल नजदीक है। तो हमारा जो निफ्टी प्राइवेट बैंक है वो भी 52 वीक हाई के आसपास इंडेक्स चल रहा है। पहला स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिसका वैल्यू है 63.85, और वो भी अगर आप देखेंगे तो 65.25 का हाई है, यानी कि 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। एक्सिस बैंक 869, जो लकी जो के चलते थोड़ा नीचे आया, बाकी दोस्तों वो भी 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। फेडरल बैंक 136, वो भी 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। बंधन बैंक और क्यूब वो थोड़े नीचे चल रहे हैं दोस्तों, बट वो भी काफी अच्छे ऊपर के लेवल के ऊपर कारोबार कर रहे हैं। आईसीसीआई बैंक डेफिनेटली 921 का प्राइस है और 958 का हाई रिसेंटली बना है, तो ये भी 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। इंडसइंड बैंक 1275 का 52 वीक हाई है, और यहाँ पे आप देखेंगे 1151 अभी का प्राइस है, तो बहुत ही बढ़िया। ये भी दोस्तों स्टॉक 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, वो दोनों भी दोस्तों 52 वीक हाई के आसपास चल रहे हैं। तो मोटा मोटी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे प्राइवेट बैंक है सारे, वो हेल्थ उसकी काफी अच्छी है, एनपीए के ऊपर पकड़ काफी अच्छा है, और दोस्तों पॉजिटिव क्रेडिट साइकिल की वजह से एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। बैंकिंग रिफॉर्म्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट पूरा देख रही है, तो दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मौका बन सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर अमेरिका में कॉलेप्स का न्यूज आता है दोबारा तो एक डाउन साइड आएगा। तो दोस्तों साथ साथ वर्ल्ड मार्केट में भी दोस्तों अगर हमारा इंडिया सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर कितना भी मजबूत हो, तो थोड़ा एक डाउन करेक्शन हो सकता है, तो उस टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एज प्रेजेंट अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है इंडियन बैंकिंग सेक्टर में, कोई ना बड़ा एनपीए का न्यूज है, ना ही कोई बड़ा क्राइसिस हमारे सिस्टम के अंदर है। तो बहुत ही ज्यादा दोस्तों आपको ये अच्छा सेक्टर अभी दिख रहा है, जहाँ पे ज्यादातर तो स्टॉक में वो 52 वीक हाई के आसपास चल रहे हैं। तो आपको जरूर से बैंकिंग सेक्टर के ऊपर नजर अपना बनाए रखना चाहिए। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।